तरह मैंने 14 में अपील डाला था उस तरह से खारिज हो गया था, तो मुझे सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं थी, कम से कम इस जुगनाइल के बारे में कि वहाँ कुछ होगा। मुझे पता था कि वहाँ भी खारिज हो जाएगा, इसीलिए मैं आज कोर्ट नहीं गई। आज एक बार फिर क्राइम जीत गया और इंसाफ हार गया। इस बिल को पास कर सकता था, कोई विशेष अदालत लगा था सकता था, विशेष कमेटी बना सकती थी, जिस तरह से क्राइम हुआ था उस तरह से कुछ तो हो सकता था, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं किया। मैं 3 साल हाथ जोड़ के इंसाफ मांगा, लेकिन मजबूर होके मुझे रोड पे उतरना पड़ा। ये सरकार की देन है कि आज मैं रोड पे उतरी हूँ, अब पुलिस मेरे साथ ऐसा बर्ताव करी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब से भी वो पास कर दें तो कम से कम आने वाले समय में हमारी बच्चियों के लिए फायदा होगा। जब तक पास नहीं हो जाता, हमारे सामने नहीं आ जाता, अब किसी पे हम विश्वास नहीं कर सकते। सबने बढ़ावा दिया, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाकर बढ़ावा दे दिया कि हमारे पास कोई कानून नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी नाबालिग कुछ भी कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता। आंदोलन हम रोक नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ एक निर्भया की बात नहीं है, यहाँ पे हजारों निर्भया खड़े हुए हैं और उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि आज तक हुआ है, आगे क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने जब मोहर लगा दिया तो समझ लीजिए कि जो क्रिमिनल लोग हैं, जो अपनी कोई गुट बना करके काम करवाते हैं पैसे लेकर के नाबालिगों से, वो अब सड़कों पे ज्यादातर ऐसे ही होने लगेगा और होगा। हमें कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, सीधे सीधे में पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं, क्योंकि केजरीवाल सरकार एक तरफ जुगनाइल को पुरस्कृत कर रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वहाँ पार्टीशन डाल रहे हैं कि नहीं हम जनता के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये सब धोखा है और कुछ नहीं है।